गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे ऑन ओटीसी डेरिवेटिव, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन ओटीसी डेरिवेटिव्स। हमने ओटीसी डेरिवेटिव में क्या पढ़ा, कैप, फ्लोर एंड कॉलर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट स्वैप्स, एंड स्वैप्शंस। हाँ जी, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ऑन कैप, फ्लोर कॉलर। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन कैप, ऑन फ्लोर कॉलर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एंड इंटरेस्ट स्वैप। ओके, एंड स्वैप्शंस। उसके अलावा हम करेंगे करेंसी स्वैप्स, ठीक है, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इन सिक्स कंसेप्ट पर आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये कैप कौन सा ऑप्शन होता है, विच इज ट्रेडर ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब इसके जो डायरेक्टली सेलर एंड परचेजर के बीच में ट्रेड होता है, एक्सचेंज बीच में नहीं होता, यानी इट इज नॉट ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंज। ओके, चलो सबसे पहले एक एक करके हम क्वेश्चन करने से पहले ब्रीफ में इन सब कंसेप्ट को बताते हैं। कैप के बारे में आपको क्या बताया, ओवर द काउंटर होता है, सूटेबल किसके लिए होता है, जो बोरो करते हैं मनी, बोरो मनी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग रेट, जो फ्लोटिंग रेट के बेसिस पे मनी बोरो करते हैं उनके लिए ये कैप यूजफुल रहता है। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या होता है, जो कैप सेलर होता है उसको प्रीमियम दिया जाता है, और इसके बदले जो कैप सेलर है वो कंपनसेट करता है कैप बायर को, यदि कोई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है उस केस में। सपोज मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए की फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर बोरो किया, तो आज की रेट में 12% रेट
रेट घटती बढ़ती रहती है, तो यदि मान लो वो रेट 12% से बढ़ के 15% हो जाती है और मैं उसके लिए कैप ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है, कैप आपको पता ही है, जैसे 9% डिवेंचर, जो 9% डिवेंचर वाला जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको कहते हैं कैप, यानी डिवेंचर ने वो कैप पहनी हुई है 9% की, ओके। तो यदि 9% पे हमने लोन उठाया फ्लोटिंग रेट पर लिया, तो फ्लोटिंग रेट में रेट बढ़ता रहता है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए जिससे हमें लॉस हो, इसके लिए हम कैप ऑप्शन लेते हैं। सेलर को, सेलर जो कैप सेलर होता है उसको हम कुछ प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम के अंदर वो अंडरटेक करता है टू कंपनसेट लॉसेस ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। एक एक करके हम आपको बताते हैं इन सारे कंसेप्ट को, ये सब नोट किया आपने, हाँ। एक एग्जांपल से पहले हम आपको कैप समझाते हैं, फिर हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो समझिए एग्जांपल, एक्स लिमिटेड बोरोज मनी एट फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट मान लो दिस इज मेबोर यानी मुंबई इंटरबैंक एक्सचेंज रेट प्लस 0.50, जैसे लिबोर होती है लंदन इंटरबैंक, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट क्या होती है, जो बैंक टू बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है, तो इसी तरह मुंबई के अंदर मुंबई इंटरेस्ट बैंक जो रेट होती है बैंक टू बैंक, वो वाली रेट प्लस 0.5% पे हमने लोन बोरो किया। साथ ही साथ प्लस बाई ए कैप, साथ ही साथ कैब बाई कर लिया, अब क्या होगा, सपोज इंटरेस्ट इंक्रीज, अब मान लो जिस समय हमने बोरो किया था निबोर था 8%, अब ये निबोर बढ़ के मान लो 10, जब 8% था तो हमें 8 प्लस 0.5 यानी 8.5% ब्याज देना पड़ रहा था, अब ये हो गया 10%, 10% प्लस 0.5 यानी अब हमको देना होगा 10.5%, फ्लोटिंग रेट है, ओके। क्लियर? तो अब ये जो 2% इंटरेस्ट जो हमको एक्स्ट्रा देनी पड़ी, इस 2% इंटरेस्ट को कंपनसेट करेगा कैप सेलर, ठीक है। लेकिन मान लो ये 8 से हो जाती 6%, तो देना होता 6.5%, तो यहाँ पर जब ये रेट कम हो गया है तो जो कैब बायर है ही विल बी बेनिफिटेड बाय लोअर इंटरेस्ट, तो इन दैट केस ही विल नॉट एक्सरसाइज कैब, एक्सरसाइज कैब नहीं करेगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट का फायदा होगा कम होने का और उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं होगी, ओके। समझ में आया? अब ये आपने समझा क्या कैप, अब कैप का जो
दूसरा है ऑप्शन होता है फ्लोर। फ्लोर जैसे ये एक्स लिमिटेड बोरो मनी, बोरो के लिए क्या होता है कैप, कैप है फॉर बोरो, बोरोइंग के लिए है ऑप्शन। अब मान लो एक्स लिमिटेड डिपॉजिट मनी और डिपॉजिट मनी करता है किसी बैंक में मेवोर प्लस 0.5% पे, ठीक है, या मेवोर माइनस 0.5% पे थोड़ा कमी करेगा, ठीक है। एंड वाई ए या कैप की जगह वाई ए फ्लोर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, इसको मिल रहा है कितना 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब रेट हो जाता है वीवो 10, तो इसको मिलेगा 9.5%, तो इसको यहाँ फायदा हो रहा है, तो क्या ही विल नॉट एक्सरसाइज फ्लोर को एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर 6.5% हो जाता तो इसको 1% का 6% हो जाता तो 6% माइनस 0.5% इसको 5.5% मिलेगा, इंटरेस्ट डिपॉजिटर है तो इसको लॉस होगा 2% का। तो इसके अंदर फ्लोर सेलर इसको 2% इंटरेस्ट कंपनसेट करेगा, यानी ये कैप का बिल्कुल अपोजिट है। कैप होता है, कैप ऑप्शन इज फॉर द बोरोअर एंड दिस ऑप्शन इज फॉर द डिपॉजिटर्स, ओके। तो ये ऑप्शन है डिपॉजिटर के लिए कि डिपॉजिटर जो फ्लोटिंग रेट पर डिपॉजिट करता है उसको लॉस ना हो इंटरेस्ट रेट घटने के कारण, तो इसलिए फ्लोर लिया जाता है, ओके। कैप के अंदर लॉस होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, फ्लोर के अंदर लॉस होता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ऑप्शन लिया जाता है, ओके। ठीक है, अब एक होता है कॉलर, कॉलर जो है ये कॉम्बिनेशन है। इसमें अभी हमने कहा कि इसके अंदर यहां पे एक्सरसाइज नहीं करेगा फ्लोर और यहाँ कंपनसेट करेगा फ्लोर सेलर 5.5% के लिए। कॉलर के अंदर नो प्रीमियम, इसका कोई प्रीमियम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि यदि जैसे रेट बढ़ गया तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रिसीव है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी गिविंग टू कॉलर सेलर, और अगर अभी तक हमने देखा था कि कैप के अंदर यदि रेट बढ़ता है, कैप के रेट बढ़ता है तो क्या होगा, कैप का जो सेलर है वो कंपनसेट करेगा इंटरेस्ट को, और यदि कैप
कि केस में यदि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, इस केस के अंदर क्या होगा, फायदा होगा बोरोवर को, लेकिन बोरोवर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन कॉलर इज बोथ वे, कॉलर के अंदर कोई प्रीमियम नहीं होता, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है उसमें मतलब यदि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो जो कॉलर सेलर है वो बोरोवर को कंपनसेट करेगा, और अगर डिक्रीज होती है तो कॉलर बायर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कॉलर सेलर को देगा। इसी तरह डिपॉजिट के केस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिली डिपॉजिटर को, वो ही विल पे टू द कॉलर सेलर, और अगर लेस इंटरेस्ट मिली तो कॉलर सेलर विल कंपनसेट टू द डिपॉजिटर। तो ये जो कॉलर है ये बोथ वे है, इसमें हमारे को फायदा नुकसान दोनों शेयर करना होता है। तो कुल मिला के इसके अंदर यदि हम बोरो करते हैं तो हमारा बेसिकली फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट में बदल जाता है, इसी तरह डिपॉजिट है तो डिपॉजिट भी हमारा फ्लोटिंग की जगह फिक्स हो जाता है इन द केस ऑफ द कॉलर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 14 है, कही दे रहा है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। अब इसमें एक कंपनी बोरो करती है पौंड 1 मिलियन, कंपनी बोरो करती है बोरो लिबोर लंदन एक्स प्लस 0.60% पर बोरो करती है, ये 1.15% 1.15% पर ईयर प्रीमियम देके 1.15% पर एनम पीरियड देके ये 6.5 लिवोर पर कैप खरीदती, ठीक है, कैप खरीदती है 6.5 पे। अब उनको बताना क्या है, अगर लिवर 4.7 हो जाए या 5.8 हो जाए या 7.30 हो जाए,
दीज केसेस हमारी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो, हमें क्या करना है इन तीनों केस के अंदर कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ओके, ये लिवर है तो हमें ये दिस इज लिवर रेट और हमने बोरो किया लिवर प्लस 0.6 पर तो हमको ये इंटरेस्ट लगेगा और हमें 1.15 ये हमको प्रीमियम पे करना पड़ा। ओके, तो यहां हमारा फाइल, ये हमारी रेट पड़ेगी 6.45, ये पड़ेगी 7.55 और ये हमारा पड़ेगा 9.05। ओके, लेकिन क्योंकि हमारे 6.5 लीवर का हमने लीवर का कैप लिया तो ये रेट कितना पड़ता है 6.30, तो 0.80 हमारे को कंपनसेट करेगा जिससे हमने कैप खरीदा है, तो हमारे लिए यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.45, ये पड़ेगा 7.55 और यहाँ हमारा पड़ेगा 8.25। हाँ जी, समझ में आया, क्योंकि जब रेट 6.5 से कम होगा तब तो हम जो बहुत एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, बात समझ में आती है।
एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. सपोज टुडे इज 1 अप्रैल 2007, यानी क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 52. सपोज टुडे इज 1 अप्रैल 2007, ए लिमिटेड इज टू इन्वेस्ट रुपीज 10 लाख ऑन 1 जुलाई 2007 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. ए लिमिटेड एप्रीहेंड्स दैट द इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन बाई द टाइम इट विल इन्वेस्ट. ठीक है,